नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां कटनी जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रीठी रोड पर विगत दिनों हुई अंधी हत्या का पर्दाफाश आज पुलिस द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मजगवा रेलवे फाटक के पास 21-22 नवंबर की दरमियानी रात दुर्घटना में पिता पुत्र के घायल होने की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई। मृत पुत्र मोहित अहिरवार और घायल पिता उत्तम अहिरवार के सिर पर गंभीर चोटें थी। पूरे घटनाक्रम को पुलिस पहले सड़क हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन पीआर रिपोर्ट आने के बाद ये मामला मर्डर के रूप में परिवर्तित हो गया। पुलिस अधीक्षक ललित शाकेवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक एमपी प्रजापति, कुठला थाना प्रभारी विपिन सिंह द्वारा पूरे मामले की तहकीकात की गई, जिसमें मंजगवा निवासी सुनील बर्मन पिता छोटेलाल बर्मन पर संदेह हुआ और उसने उगला की लूट के उद्देश्य से उत्तम अहिरवार और मोहित अहिरवार पर तलवार से हमला कर 2000 रुपए लूटे गए हैं। वहीं हमले में पुत्र मोहित की मौत हो गई है, जबकि पिता उत्तम अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तलवार और कपड़े बरामद कर आरोपी के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास करने के अपराध पंजीबद्ध किए हैं। एक्सीडेंट की सूचना आई थी, 21-22 की रात को एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के सूचना पर वहाँ पर मैटिया साहब पहुंचे थे, तो घटना स्थल देखकर हमको लगा कि कुछ फॉल हुआ है। एक आदमी, एक बच्चे और एक आदमी घायल था, तो अस्पताल को कन्फर्म नहीं कर बच्चे गिर जाते। जो घटनास्थल के निरीक्षण देखो लगा कुछ घटना से मेल नहीं खाने का। हमने फिर अपनी टीम लगाई थी, पुलिस एस पी साहब को और सिर्फ वापस सुबह गए स्पॉट देखा, तो हमने भी किए थे पीछे दिया। तब कुछ गिरने की टीम लगी, उसमें माधव नगर टी आई साहब अस्टेंट के रजनी से सब एस आई सब लोग लगे, और घटना के सफाई लोग लगे। उन्होंने अल्टीमेटली समझ में आ गया कि सुनील बर्मन जो है वो इस बार घटना को लगभग शख्स के साथ कितने की लूट की गई थी? वो करीब 900 रुपये जब्त हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है कि आम से भी जब्त हुआ तलवार वगैरह, वो प्रेस में आपको दिए थे। सर, इसके और कोई पुराने रिकॉर्ड है कुछ ऐसे? हाँ, पुराने दो पुराने। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।